मूड ठीक नहीं रहना, मूड ऊपर नीचे होना, कभी अच्छा लगना कभी खराब लगना, पैसे की चिंता, पैसे नहीं है नौकरी नहीं है इसलिए उदास रहना दुखी रहना, फिर रोना आना बार 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 बिना वजह का रोना आना। अपने लाइफ में कुछ पड़ा नहीं है, खुदकुशी कर लिए तो अच्छा है, मैं कुछ अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, ऐसे काफ़ी सारे लक्षण डिप्रेशन के होते हैं। डिप्रेशन में इंटरेस्ट चला जाता है, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती, बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, आदमी सोचता है मैं रिज़ाइन कर दूँ, धंधे पानी पे नहीं जाऊँ, भूख लगती नहीं है, एक तो बहुत ज़्यादा नींद आएंगी या नींद ही नहीं आएंगी, और बार 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 सब निगेटिव ख्याल आते रहते हैं। अकेले बैठने की इच्छा होती है, किसी से लगता है मिलना ही नहीं, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, तो एक खास डिप्रेशन के लक्षण है। अभी तक क्या था कि इसका इलाज करने के लोगों के पास में पैसे नहीं है, दवाइयाँ बहुत महंगी है, तो ये डिप्रेशन के लिए लोग घर में ऐसा कुछ ना कुछ इलाज करते थे। अच्छा, फिर कभी कभी क्या होता है, डिप्रेशन के साथ साथ मैनिया भी आता है। मैनिया में क्या होता है, मैनिया में एकदम हाई हो जाएगा आदमी, बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़े बड़े लोगों के साथ में मिलने की कोशिश करेगा, खरीद लेगा कुछ ना कुछ चीज़ें, उधारे में खरीद लेगा, गुस्सा करेगा, मारठोक करेगा, ऐसा तो कुछ भी कर लेगा, नींद नहीं आती उनको, आक्रामक हो जाता है, पैसा बहुत खर्चा करेगा, उसको लगता है कि वे अपने खिलाफ लोग हैं, मेरा मानते नहीं है, शक करता है, तो ऐसे मैनिया का अटैक भी आ सकता है इसके साथ में, या फिर डिप्रेशन भी है, मतलब डाउन है अप, ऐसा भी हो सकता है। अब ये मानसिक बीमारी जो है इसका इलाज आप करके अच्छा हो सकता है, इसके लिए ये अप डाउन नहीं होता उसके लिए दवाइयाँ हैं कि अप डाउन नहीं होना चाहिए, कभी डाउन कभी अप। डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेशन है जो आप लेते हैं तो 8-15 दिन में डिप्रेशन निकल जाएगा, मैनिया है तो एंटी मैनिक दवाइयाँ हैं, लेते हैं तो 8-15 दिन में ठीक हो जाएगा, और ये सब दवाई यहाँ लेने के लिए पैसा नहीं है तो आप महात्मा ज्योतिराव फुले योजना अंतर्गत सन्मित्र हॉस्पिटल केळेकर हॉस्पिटल के पास महाराष्ट्र अकोला में आ सकते हैं और इलाज कर सकते हैं। आपको लाना है ओरिजिनल राशन कार्ड और आधार कार्ड, वो आप लाते हैं तो ये डिप्रेशन मैनिया इसका इलाज या कोई भी मानसिक बीमारी का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। आपको यहाँ दाखिल करेंगे, खाना देंगे, दवाई देंगे, सब करेंगे, सब योजना अंतर्गत फ्री है। आपको आना नहीं है, आ नहीं सकते तो आप अपने जहाँ जहाँ आप रहते हो वहाँ प्रोफेशनल हेल्प लो। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे नंबर दिया है उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अकोला में आते हैं तो रेलवे स्टेशन के पास हमारा हॉस्पिटल है, कभी भी आइएगा और अपना इलाज करवा के लीजिएगा। जिसको शॉक ट्रीटमेंट नहीं होना है डिप्रेशन में, इनको शॉक ट्रीटमेंट नहीं, शॉक ट्रीटमेंट नहीं होना भाई, दवाई भी नहीं होना, उनके लिए हमारे पास में RTMS यह मशीन का उपचार है। RTMS मशीन यह एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करती है दिमाग में और उसके जरिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तैयार होते हैं और दिमाग ठीक हो जाता है, ब्रेन ठीक हो जाता है, पेशेंट चलते आता है, चलते चले जाता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं है, तो ये मशीन का भी इलाज कर सकते हैं, नहीं तो शॉक ट्रीटमेंट है, नहीं तो फिर भर्ती करो, दवाई दो, कुछ भी करो मगर पेशेंट को ठीक करो। और यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाकर अपने लोगों को अच्छा कर सकते हैं, जिससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।